It doesn't smell. Hi bees, I'm Chilbi and welcome to my beehive. So I am finally in my new beehive right now. I am in my studio and जैसा कि इस aesthetic backdrop से आपको लग रहा है मेरे पास candles हैं, मेरे पास cushions हैं, मैं एक carpet पे बैठी हूँ and I am a side stool, like oh my god so fancy. Room tour वगैरह, studio tour वगैरह, like shifting into my studio tour बहुत जल्दी channel पे आने वाला है. So जिसे भी नहीं पता है, I have recently rented a space for my studio purpose. तो मैं अब यहाँ पर ही shoot क्या करूँगी. I do think कि अभी थोड़ा बहुत echo का issue मुझे होगा क्योंकि अभी इतना फर्नीचर नहीं है. फर्नीचर वगैरह मैं ऐसा सच कुछ ला भी नहीं रही, बट स्टिल बहुत ज्यादा खाली है अभी रूम, तो थोड़ा सा echo होगा. बट बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लग रहा है. इट्स माई फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सब ऐसे असेंबल कराओ एंड आई एम सो 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 नर्वस. सो या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको ये बैकड्रॉप कैसा लग रहा है. एंड प्लीज अगर कुछ सजेशन हो कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, लाइक प्लांट, लाइक वॉल हैंगिंग, समथिंग लाइक दैट, प्लीज कमेंट्स में मेरे को लिंक वगैरह डाल देना एंड आई लाइक परचेज ऑल ऑफ दैट. तो अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे. सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस. फर्स्ट बीइंग द स्टूडियो, मैं पहली वीडियो शूट कर रही हूँ स्टूडियो में. सेकंड, इट्स लाइक अ वन इंप्रेशन ऑफ माय वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज इन कॉस्मेटिक्स विच इज मार्स. तो मार्स के मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ. आई हैव ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स राइट हियर एंड हैव क्वाइट अ लॉट. आई ऑल्सो हैव एन अफिलियट कोड विद मार्स, तो आप अगर उसे यूज करेंगे तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मिलता है ऑन द मार्स वेबसाइट. तो आप वहां से भी कर सकते हैं. बाकी मैंने लिंक्स वगैरह तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही रखे हैं, तो वो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड द थर्ड रीजन, मैं आज अनाउंस करने वाली हूँ विनर्स ऑफ माय मिस्ट्री बॉक्स वीडियो. तो उसमें मुझे तीन विनर्स अनाउंस करने थे एंड आई एम गोना डू इट इन द मिडल ऑफ दिस वीडियो, शायद मिडल में, शायद एंड में. तो इसलिए पूरी वीडियो देखना, चालाकी मत करना. मुझे पता है कि तुम लोग बिल्कुल एंड पे पहुंच जाते हो, पूरी वीडियो स्किप कर देते हो एंड कुछ भी नहीं देखते हो. जब भी कोई ऐसा गिव अवे या कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होता है तो पूरी वीडियो देखना, तभी मिलेगा. दैट बीइंग सेड, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल चिल्बी इफ यू लाइक मेकअप वीडियोज, ब्यूटी वीडियोज, स्किन केयर वीडियोज, हॉल वीडियोज एंड नाउ रूम डेकोर वीडियोज, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है. ऑल्सो आई विल बी मेकिंग सो मेनी व्लॉग्स बिकॉज बहुत बहुत सारे व्लॉग्स इकट्ठा हो गए हैं एंड आई विल बी अपलोडिंग देम सुपर डुपर सून. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल चिल्बी. ऑल्सो ये वाले सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं अमेजोन से, क्योंकि अमेजोन पे ज्यादा प्रोडक्ट्स थे कंपेयर टू देयर वेबसाइट. तो कुछ प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं थे, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लग रही है क्योंकि उनकी ओरिजिनल लाइक वेबसाइट पे ही वो प्रोडक्ट्स नहीं है, बट अमेजोन पे वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. एंड ऑल्सो अमेजोन पे भी सेल चल रही है फैशन मेगा डेज, तो वो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना. आई गेस इतना लंबा इंट्रो ठीक ही है, तो नाउ लेट्स बज इनटू आवर वीडियो. सो प्राइमर के लिए आई हैव टू options. First is take a glow illuminating primer in the shade 02 light beam and the second one is Mars Hydra Glow Primer. So ये वाला मैंने बहुत ज्यादा use कर रखा है. ये वाला मैंने बस एक ही बार use करा था. First impression में दोनों के ही नहीं दे पाऊंगी because I have already used these two. So ये वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा primer है. थोड़ा सा sticky primer है which I very much like क्योंकि foundation अच्छे से इस पे बैठ जाता है. This one is more like a serum to me. Like ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा light moisturizer आपने लगा रखा है. थोड़ा बहुत glow आता है, लाइक ऐसा ग्लो होता है ना जो विद इन टाइप का ग्लो होता है, वो इससे आता है. बट उसके अलावा आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर अ प्राइमर. सो हम ये दोनों ही यूज करने वाले हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, द मार्स हाइड्रा ग्लो प्राइमर. सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. ये थोड़ा सा यहाँ से व्हाइट हो रखा है, बाकी थोड़ा पिंक हो रखा है. सो वी आर गोना शेक इट. वन पंप हम लेंगे. आई लव दिस कलर, लाइक इट्स सो प्रिटी, बहुत ही सुंदर है. It's very liquidy, as you guys can see, बह रहा है ये. It smells like bubble gum. जो boomer आती है ना, बिल्कुल same smell है इसकी. मेरा मन कर गया boomer खाने का. मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है, like मेरे forehead पे भी नहीं लग पाया. I guess two pumps are enough for my face. I smell like boomer now. All right, so I wanna change my opinion a little bit. Pores वगैरह इसने कुछ ऐसे blur नहीं करा या कुछ भी ऐसा नहीं करा. Primer वाला इसने काम नहीं करा है. But I really think कि अगर आपको कोई ऐसा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर टाइप का चाहिए मेकअप से पहले लगाने के लिए, तो दिस वन इज लाइक वेरी वेरी गुड बिकॉज बहुत ही अच्छा ना ग्लो टाइप का आ रहा है. लाइक लुक एट दिस. नाउ आई एम गोइंग टू टेक
टेक अ ग्लो प्राइमर एंड मैं बहुत थोड़ा सा लूंगी, वैसे आधा ही लेना था बट एक पंप आ गया, तो मैं इसे बहुत थोड़ा थोड़ा लगाने वाली हूँ अपने हाई पॉइंट्स पे, जहां भी मैं कंसीलर लगाने वाली हूँ ना वहां पर मैं ये वाला प्राइमर लगाऊंगी। इट्स स्टिकी सो काफी अच्छे से लग जाएगा एंड इट्स वेरी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर एंड आई लव 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 दिस। ओ वाओ क्या मस्त लग रही हूँ। थोड़ा सा बच गया है तो मैं बस इसे अपने फिंगर्स में रब करूंगी एंड देन आई रब द प्रोडक्ट इन। बहुत ज्यादा शाइनी लग रहा है मेरा फेस, इट्स लुकिंग सुपर डुपर शाइनी, लाइक बहुत ज्यादा सिल्वर कलर का शाइन लग रहा है एंड मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा पसंद है ये, मैं तो आईज पे भी लगाऊंगी। इट्स लुकिंग सो प्रिटी। नेक्स्ट फॉर द फाउंडेशन आई हैव टू ऑप्शंस अगेन। फर्स्ट वन इज अ कलर चेंजिंग फाउंडेशन एंड वेट, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। द सेकेंड वन इज द मार्स कैमोमाइल कुशन फाउंडेशन विच इज अनदर थिंग दैट आई हैव नेवर एवर यूज्ड इन माय एंटायर लाइफ। तो ये दोनों फाउंडेशन है मेरे पास एंड पहले हम इसे हाथों पे स्वॉच करेंगे और फिर देखेंगे जिसकी कवरेज ज्यादा होगी हम वो वाला अपने फेस पे लगाने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मार्स कलर चेंजिंग फाउंडेशन। पहली बात तो इसकी पैकेजिंग इज वेरी लक्स, लाइक इट्स वेरी लग्जूरियस एंड आई लव दैट। 200-250 रुपए में भाई बहुत ही गजब चीज है। इसके साथ एक स्पैचुला भी आता है जो कि मैं खो चुकी हूँ, सो वी विल जस्ट इग्नोर के इसमें स्पैचुला आया था। दिस इज एक्चुअली अ वाइट कलर्ड फाउंडेशन एंड जब आप इसे लगाते हो तो ये आपके स्किन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, लाइक आई डोंट नो हाउ बट लुक एट दिस। आई थिंक आप लिड पर देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ना स्किन कलर लगा हुआ है, लाइक फाउंडेशन जैसा कुछ है। तो ये एक्चुअली में वाइट कलर ही था बट ये चेंज हो गया मेरे स्किन शेड में और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द फाउंडेशन एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रब इट ऑन our hand. See, it's turning like into a skin shade. बहुत ही मतलब ऐसे बहुत ही अलग सी चीज लगी मेरे को ये, मतलब कैसे हो रहा है I don't know, maybe heat की वजह से होता हो। इसमें मुझे थोड़ी सी ना white cast वाली problem आ रही है क्योंकि ये white cast छोड़ता है थोड़ा सा, but that's like manageable and इसमें कोई shade वगैरह भी नहीं होता because obviously and it has a very nice soothing fragrance, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाली। So this is like our first foundation. बहुत ज्यादा white लग रहा है ये मेरे face से, लेकिन ये थोड़ा oxidized होगा आई बिलीव। इसकी कंसिस्टेंसी समथिंग लाइक अ बीबी क्रीम, मुझे नहीं लगता इससे कोई भी कवरेज मिलने वाली है। आपको बहुत आराम से लाइक लाइंस वगैरह दिख जाएंगी जहां पे भी ब्लेंड नहीं हुआ है। इट्स नॉट समथिंग आई प्रिफर पर्सनली क्योंकि ब्लेंड अच्छे से नहीं हो रहा है, बट एनीवेज वी आर गोइंग टू यूज दिस वन। तो इसमें वी हैव द शेड 03 मार्स के। बस मेरे को यही चीज लगता है कि शेड्स बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम क्या होता है, सो या बहुत ही कम शेड्स होते हैं एंड उसमें से भी आपको अपना चूज करना है तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। सो फर्स्ट वी हैव दिस पफ विच इज वेरी नाइस, ब्लेंडर की तरह काम करेंगे हम इससे एंड देन वी हैव द प्रोडक्ट। सो ओके इट्स लाइक कम्प्लीटली वाइट अभी। अच्छा ये ढक्कन है इसका। क्या कलाकृति बनी हुई है, वाओ रंगोली। एंड देन वी हैव दिस पफ जो कि एक तरफ ऐसे झुका हुआ है, तो इसकी गर्दन बेचारे की टेढ़ी है थोड़ी सी, मैं इसे सीधा पकड़ रही हूँ, ये थोड़ा सा झुका हुआ है एक साइड से, बट या वी विल जस्ट ट्राई इट। सो अब हम इसे डिप करने वाले हैं इसमें। वाओ दिस इज सो नाइस। वो हाथ पे, ओ यार ये तो सही है, मतलब सी फेस आर्ट बनाने के भी काम आएगा ये आराम से, बट मुझे ये ब्लेंडर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ दिस हैंडल, तो मैं ना थोड़ा सा बस इसे मैं हटा रही हूँ। मैं नॉर्मली इसे प्रेस करने वाली हूँ, कैसे निकलेगा। हाँ ओ वाओ, तो मैं बस थोड़ा सा फाउंडेशन ले रही हूँ और मैं बस स्वॉच के लिए इसे यहाँ पे लगा रही हूँ। ये भी मुझे बहुत लाइट लग रहा है। आई डू थिंक कि ये वाला फाउंडेशन शेड भी लाइट ही रहेगा, बट एटलीस्ट इट इज थिक, तो कवरेज इसमें काफी अच्छी आ रही है। इट जस्ट कि ये मेरा शेड नहीं लग रहा, बट आई डू बिलीव के इस वाले से तो ये वाला बेटर है। इसमें ब्लेंड अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं जहां जहां अपने फिंगर्स रन कर रही हूँ ना वो वहां से हटता भी जा रहा है। ये वाला थोड़ा बेटर रहेगा आई गेस, तो हम ये वाला ट्राई करेंगे। आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माय फेस। मार्स का एक वंडर ब्लेंडर भी आता है, वो वाला मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो आई एम जस्ट गोना यूज माय ब्यूटी ब्लेंडर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये ब्लेंड काफी अच्छे से हो रहा है एंड आई कैन सी अ लाइट कवरेज, मतलब इतनी कोई खास कवरेज नहीं दे रहा है, बट या इट्स स्टिल बेटर देन द प्रीवियस वन। ये निकालने में बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, लाइक बार बार उसे मैं प्रेस करना पड़ रहा है ना, वो काफी चीज कूल लग रही है। सेकेंड लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा बेटर लग रहा है, लाइक द कवरेज इज ओके नाउ, मतलब मुझे
थोड़ी मीडियम टू हाई कवरेज पसंद है, इट्स लाइक अ वेरी लो कवरेज फाउंडेशन. मतलब ये अगर स्कूल या कॉलेज में आपको लगाकर जाना हो लाइक फॉर एवरीडे यूज, आई गेस इट्स वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक आई वुड बी पर्सनली यूजिंग इट एवर अगेन, क्योंकि एक तो मैं यूज नहीं करती हूँ फाउंडेशन ऑन अ डेली बेसिस, मैं सिर्फ शूट्स के लिए यूज करती हूँ एंड दिस इज नॉट मेंट फॉर शूट्स. सो नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर एंड फॉर दैट आई हैव मार्स सील द डील कंसीलर इन द शेड प्योर बेज. सो ये वाला प्रोडक्ट मैं पहली बार यूज कर रही हूँ. सो मैंने इसका कोई रिव्यू वगैरह नहीं देखा है एंड मैं इसे पहली बार यूज करने वाली हूँ. सो या फर्स्ट इम्प्रेशन हो सकता है ये. पैकेजिंग इसकी बिल्कुल एले गर्ल वाली है, एग्जैक्ट सेम. एंड लेट्स जस्ट ओपन दिस. वी हैव अ ब्रश जो कि बहुत ही सही लगता है मेरे को, तो हम थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे. कुछ भी नहीं आ रहा. ओके, आई सी सम प्रोडक्ट. वी हैव द प्रोडक्ट एंड लेट्स अप्लाई इट. पहले मैं इसे एक्ने स्पॉट्स पे लगाऊंगी. ओह वाओ, मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है इससे. अगर ये सही हो गया ना तो मैं इसे पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ. आई लव द कंसिस्टेंसी. काफी थिक है, उतना थिक जितना मुझे पसंद आता है. अंडर आईज पे भी लगा ही लेते हैं जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं. दिस इज लुकिंग वे टू ऑरेंज अभी. मतलब कैमरे पे इतना पता नहीं चल रहा है बट ये बहुत ज्यादा ऑरेंज हो गया है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड आवर कंसीलर नाउ. आई लव दिस. इसकी मीडियम कवरेज आ रही है काफी अच्छे से और मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ. अगर आप ब्रश यूज करोगे तो और ज्यादा अच्छी कवरेज आएगी. ये काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, कवरेज भी इसकी अच्छी है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है और प्राइस तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ये तो बिल्कुल ही चिल्बी अप्रूव्ड वाला प्रोडक्ट है. आई लाइक दिस, आई लव दिस एक्चुअली. काफी अच्छे से कंसील करा है, ज्यादा कंसील नहीं कर पा रहा है. लाइक आई कैन सी द एक्ने स्कार्स एंड एवरीथिंग. अभी भी सब कुछ दिख रहा है. सो इट्स नॉट फुल कवरेज एट ऑल बट इट डज वर्क. कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी है, कवरेज भी दी है इसने. इट जस्ट कलर थोड़ा सा ऑरेंज हो गया है विच आई पर्सनली डोंट माइंड क्योंकि मेरी स्किन पे अभी तक ठीक लग रहा है. बट या वी विल सी आफ्टर सेटिंग एवरीथिंग विद माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम मार्स विच इज देयर वंडर पाउडर. ये कॉम्पैक्ट पाउडर इज द बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर आई हैव एवर यूज्ड इन माय एंटायर लाइफ ऑफ डूइंग मेकअप. इसमें सबसे पहले तो आपको एक मिरर मिलता है, एक कॉम्पैक्ट पाउडर मिलता है फॉर ऑब्वियस रीजंस. फिर आपको दूसरा कॉम्पैक्ट पाउडर मिलता है, फिर आपको एक पफ भी मिलता है. मैंने इसे यूज भी कर रखा है एंड इट एक्चुअली काइंड ऑफ वर्क्स. अगर आप ब्रश वगैरह से नहीं लगाना चाहते आप इससे लगा सकते हो. और मैं यूजुअली इसका सेकेंड वाला शेड यूज करती हूँ, तो आपको दो अलग अलग शेड मिलते हैं. एक थोड़ा सा लाइट है और एक थोड़ा सा डार्क है. एंड आई गेस आई एम इन द थर्ड शेड. इस पे बस 3 नंबर लिख रहा है एंड आई एम यूजिंग माय ब्रश टू जस्ट टेक सम पाउडर एंड अप्लाई अंडर माय आईज. जस्ट लुक एट द डिफरेंस इन दीज टू साइड्स ऑफ माय फेस. इस पे मैंने पाउडर नहीं लगाया, इस पे मैंने पाउडर लगा रखा है. दिस लुक्स सो फ्लॉलेस. ये वाला एक तो ड्यूई बहुत ज्यादा ही लग रहा है, लाइक इट्स लुकिंग सुपर डुपर ग्लोई. ये ग्लोई भी लग रहा है बट इतना ज्यादा ऑयली नहीं लग रहा. दिस साइड लुक्स ऑयली टू मी, लाइक यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऑयल लगा रखा है लेजिट. बट दिस इज लाइक वेरी फ्लॉलेस, वेरी नाइस एंड इट फील्स कंफर्टेबल ऑल्सो. मतलब ये इतना चिपचिप नहीं लग रहा, ये थोड़ा मुझे चिपचिप लग रहा है. तो दिस पाउडर इज द बेस्ट. जैसे कि मैंने पहले बोला, इफ यू वॉन्ट टू लाइक ट्राई कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर जो आगे आने वाला प्रोडक्ट है, दीज टू थिंग्स लाइक आर लिटरली द बेस्ट इन एनी ब्रांड. तो या नाउ फॉर द ब्लश. नाउ इट्स अ वेरी फनी स्टोरी बट पूरा सुनना. आई ऑर्डर्ड दिस मार्स ब्लशर इन द शेड चेरी और लाइक रेड. लेकिन अमेजोन ने सोचा कि यार ब्लश तो मतलब हम आई शेडो से भी लगा लेंगे, तो ब्लश क्यों भेजना, लेट्स जस्ट सेंड अ हाइलाइटर टू दीपांशी. तो ये आया, इस पे लिखा भी हुआ है मैट ब्लश but the shade is chrome and I'm like why. ये मैंने use भी करके देखा, it's very good I would say. इसके पीछे एक mirror दे रखा है which is amazing क्योंकि I don't know like how they do it but it's like very good कि आप products में ही mirror लगा के भेज दो and आपको एक brush type का मिलता है और ये ऐसे ना press हो जाता है. तो यू जस्ट हैव टू लाइक डू दिस. और ये प्रेस तो होगा नहीं क्योंकि ये उतना ही है लिटरली. तो बस मैंने इसे घुमाया, बंद करा एंड फिर मैंने इसे खोला एंड द प्रोडक्ट वॉज ऑन द ब्रश टाइप का कुछ. लेट मी जस्ट डू अ स्वॉच. इट्स स्ट्रेट अप लाइक क्रोम पाउडर, बहुत ही ज्यादा मेटालिक है एंड आई ऑब्वियसली डोंट थिंक आई वुड बी यूजिंग दिस. सो या जस्ट वॉन्टेड टू से दैट वी डोंट हैव अ ब्लश और लाइक अ कॉन्टोर और लाइक अ ब्रॉन्जर टाइप का कुछ भी. सो इसलिए हम आई शेडो
palettes use करने वाले हैं for our blush as well as our bronzer. तो eyeshadow के लिए I have two palettes. तो ये वाला palette which is the back to basics eyeshadow palette. तो ये मैं already अपनी एक मार्च की वीडियो में दिखा चुकी हूँ. And you guys can check that out from the eye button right above my fingertip. So वहाँ से देख लेना. उसमें ये पूरा first impression और like my review पूरा का पूरा उसमें है. अच्छा लगा, बुरा लगा, सब उसमें से देख लेना. And now today we are going to try out this eyeshadow palette. ये है Mars का Fantasy 15 eyeshadow palette. Mars sent me this, I guess काफी time हो गया, 3-4 महीने हो गए ये जब उन्होंने भेजा था और तब से मैंने इसे use भी नहीं करा है. तो we are going to use this. I quite like the color scheme and काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है. And I can see a pink shade and a brown shade. तो blush bronzer दोनों हो जाएगा ऐसा अभी मैं सोच रही हूँ, but देखते हैं. So for the bronzer I am just going to use this brush जो कि थोड़ा ऐसे tilted type का है. And I am going to dip it in this brown shade क्योंकि ये बहुत ज़्यादा light है and I don't want to overdo it because eyeshadows usually काफी ज़्यादा pigmented होते हैं. तो बस हम थोड़ा सा लेंगे. Yeah, it's actually very pigmented. So we are just going to dust off the axis and थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे. It's not actually brown, इसमें थोड़ा सा red आ रहा है. Very, it's a very cool toned brown और बहुत ही ज़्यादा light shade है. I guess ये काम कर रहा है, but हमें थोड़ा सा इसे deepen up करना पड़ेगा. It's looking red. I don't know how it's looking red, but just look at the shade. ये shade मैंने apply करा है and it's this one. It's looking brown and I don't know. मेरे face पे उतना brown नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था. तो अब हम थोड़ा ये वाला brown use करेंगे. Which is this shade and I hope कि ये लाल ना हो जाए. I somehow managed to like balance it out. बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी. फिर मैंने blender use करा and I used the previous compact वाला brush. अब थोड़ा ज़्यादा ठीक सा हो गया. Otherwise it was a mess. But yeah, let's just move on to blush. मुझे contour की ज़रूरत नहीं लग रही है. Like bronzer, what's that? I don't know. ये वाला red लेने वाली हूँ क्योंकि red हो रहा है. तो बहुत ही हल्का सा हम लगाएंगे. We are not going to go overboard with it. And I hope ये brown ना हो जाए. So yeah. Let's just okay. बहुत बहुत कम कम करके मैं लगाने वाली हूँ. Alright, it's looking good as of now. I think I like it. अब हम इसे दूसरे ब्रश से ब्लेंड करेंगे because I don't wanna take my chances. It is super duper pigmented because obviously eye shadows हैं. अब मैं इसे थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी ताकि ये यू नो सीमलेस हो जाए. बट अभी के लिए इट्स लुकिंग नाइस. लाइक इट्स वेरी नेचुरल. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तुमने ओवरबोर्ड कर रखा है क्योंकि फाउंडेशन काम नहीं करा, सिर्फ कंसीलर लगा रखा है, ब्रॉन्जर वगैरह कुछ हुआ नहीं. बट आई क्वाइट लाइक इट. एंड नाउ वी हैव अ मेकअप फिक्सर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स. आई डोंट नो ये उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फिर अमेज़न पे कुछ अलग मिल रहा था, बट उन्हीं के स्टोर पे था. तो आई जस्ट बॉट इट एंड इट्स एलोवेरा मेकअप फिक्सर. तो वी आर गोइंग टू यूज इट. मुझे नहीं लग रहा कि ये काम करेगा बिल्कुल भी. पहले से ही मुझे देख के ही ऐसे यू नो आभास सा हो रहा है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू यूज इट. बिल्कुल खीरे के जूस जैसा स्मेल कर रहा है अभी. इट मेड माई मेकअप ग्लोई. आई डोंट नो, लाइक आई हैव मिक्सड ओपिनियंस ऑन दिस वन. आई डोंट थिंक मैं इस मेकअप फिक्सर को लगा के किसी वेडिंग वगैरह में जाऊंगी, बट आई मीन इट्स वर्केबल. नाउ इट्स सेटिंग अप एंड आई कैन सी माई पिम्पल वेरी क्लियरली. लाइक बिल्कुल ही लाल हो गया ये तो. इस पे से सब कुछ हट गया है. आई कैन सी के इसके आस पास भी लाइक कंसीलर हट चुका है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज. फॉर द हाईलाइटर आई हैव मार्स का वंडर हाईलाइटर. सेम पैकेजिंग है वंडर पाउडर की तरह एंड इट्स इन द शेड गोल्ड. ये हाईलाइटर मैंने काफी बार यूज कर रखा है एंड आई हैव माई ओपिनियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग is very very nice. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. It looks something like this. आपको mirror मिलता है, आपको highlighter मिलता है, which looks very very cute. Like the design is किलिंग मी. बहुत ही प्यारा है बट इट्स वेरी चंकी. जब लगाते हैं तो बहुत ज्यादा चंकी फील होता है ये. तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिप माई फिंगर्स एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट. और फिर हम उसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर मार देंगे. एंड दैट इज इट फॉर द हाईलाइटर. मुझे काफी ज्यादा पसंद है बट इट्स जस्ट के थोड़ा सा चंकी लगता है तो मैं इसे यूज थोड़ा कम करती हूँ. नेक्स्ट फॉर द आईब्रो वी हैव अ ब्राउ पेंसिल. I like the packaging. Silver, black and silver. तो यहाँ पर होगा हमारा product, यहाँ पर होगा brush. Yes. It's a very nice
स्टेप सेम ही है, मतलब जैसा सबका होता है वैसे ही इसका भी है। अच्छा सा निकल रहा है प्रोडक्ट, अच्छे से जा रहा है, अच्छे से निकल रहा है, विच इज नाइस। बट ये मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है बिकॉज बहुत ही एफर्टलेसली, लाइक लुक एट दिस, बहुत ही एफर्टलेसली प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है। सो लेट्स जूम यू गाइज इन एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर आईज। पहले मैं थोड़ा सा ब्रश कर लूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा फाउंडेशन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ओ इट्स वेरी क्रीमी, लाइक मैंने रखा और फिसल गया, इतना ज्यादा क्रीमी है। इट्स वेरी वेरी क्रीमी, आई लाइक इट। इसका शेड भी काफी सही आ रहा है एंड अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ही ओवर वाली होती है ना, वो भी नहीं है, बहुत क्रीमी है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। लाइक लुक एट द डिफरेंस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। द कलर इज लाइक स्पॉट ऑन माय परफेक्ट मैच, मुझे बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। इट्स सुपर डुपर क्रीमी, इट्स सुपर डुपर लाइट वेट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मैंने कि बहुत ज्यादा लगा लिया हो। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट्स आते हैं कि मेरी आईब्रोज जो है वो ऊपर नीचे मैंने बना ली है, दे आर लाइक दैट, लाइक ये वाली ऊपर है, ये वाली नीचे। आई नो, आई एम जस्ट गोना गिव इट अ बिग थम्स अप एंड मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई शैडोज। सो आई एम गोइंग टू डू अ वेरी बेसिक रेड कलर का आई शैडो लुक, और उसमें मैं यूज करने वाली हूँ थोड़ा सा शिमर एंड ये जो मैट शेड्स हमें दे रखे हैं पिंक वाले वही। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस ब्रश और पहले मैं इसे लाइट ब्राउन वाले शेड में लगा रही हूँ बिकॉज नाउ वी नो कि थोड़ा सा रेडिश टाइप का है, तो इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी। तो या वी आर जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट, या इट्स लुकिंग पिंक। आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट इन माई क्रीज लाइन लाइक दिस एंड उसे फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ हम स्मोक आउट कर रहे हैं जस्ट टू गिव लाइक दोस फॉक्सी आईज वाला लुक जो कि कभी भी नहीं आता मेरे से, बट स्टिल वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट। मैं तो अभी से प्यार में पड़ गई हूँ इस आई शेडो पैलेट के, आई लाइक दिस। काफी अच्छे पिगमेंट हैं, इट्स लाइक वेरी पिगमेंटेड एंड काफी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स दीज टू शेड्स एंड मैं उसे अपने आउटर वी पे लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा ऐसे वार्म था। एंड आई एम यूजिंग द सेम ब्रश, एक ही ब्रश से मैं पूरा आई शेडो वाला लुक करने वाली हूँ, तो ताकि आप लोगों को भी पता चले कि एक ब्रश से सब कुछ हो सकता है। एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट इन द क्रीज, और अब मैं सेम चीज करने वाली हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ये वाला कलर लूंगी एंड जस्ट प्लेसिंग इट इन माय लोअर लैश लाइन बहुत आराम आराम से, क्योंकि बड़ा ब्रश है तो हमें बहुत आराम से काम लेना है इससे। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस ग्लिटर शेड, दिस शिमर शेड, ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। इट्स लाइक अ वेरी मेटालिक पिंक शेड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस इट ऑन माई आईलिड्स। आई एम डेड, वाओ, आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस राइट नाउ। इट इज सच अ नाइस पार्टी पैलेट, मतलब इसमें जो शिमर शेड्स है ना, दे आर वेरी वेरी प्रिटी, लाइक लुक एट दिस। ये भी हम स्वॉच करेंगे, ये भी हम स्वॉच करेंगे, ओ वाओ वाओ, दिस हॉट पिंक इज सो सो प्रिटी, वाओ दिस इज सो नाइस एंड इट्स मेटालिक शेड, लाइक वाओ। वी हैव एन ऑरेंज, वी हैव ब्राउन्स और ये वाला क्रोम, दिल आ गया मेरा तो। एंड आई एम टेकिंग द सेम ब्रश और अब मैं थोड़ा सा साफ ही करूंगी उसे एंड जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग एंड आई एम डन विद माई आई शेडो गाइज। इट्स लुकिंग सो प्रिटी एंड दीज शेड्स आर जस्ट सो वंडरफुल, मैट हो चाहे शिमर हो, आई लव दिस पैलेट, इट्स अ बैंग ऑन येस फ्रॉम माई साइड। यू गेट 15 शेड्स एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस, इट्स क्रेजी एंड आई लव Love this. We just have few products left, लेकिन मेरा favorite product अभी बचा है, which is the Mars liner. मैंने last video में भी बोला था और last video से लेकर इस वाली video तक मैं सिर्फ ये वाला liner use कर रही हूँ and it's such a nice liner. I am so thankful कि मुझे ये PR में आया था and तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ ये वाला use करती हूँ, चाहे एक casual look बनाना हो, चाहे मुझे ऐसे ही बाहर जाना हो, चाहे मुझे party में जाना हो, चाहे wedding में जाना हो, चाहे मुझे video बनानी हो, I just use this one. It's so amazing. तो हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही पतला सा विंग, लाइक ऐसा मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ बट पता नहीं जो बनेगा वो देखेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप सो गुड सो फार वाला बन गया, एक आंख पे तो बन गया है, दूसरी पे भैया भगवान ही मालिक है। अब यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट डू दिस ऑफ कैमरा बिकॉज ऑन कैमरा एक हाथ से ये पकड़ के एक हाथ से ये करना इज वे टू डिफिकल्ट फॉर मी। सो या, सो आई एम बैक, मैंने लाइनर लगा लिया और मैंने मस्कारा भी लगा लिया क्योंकि भाई एक हाथ से मस्कारा मेरे बस की नहीं है। लाइनर का तो मैंने बता ही दिया है कि मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे एंड इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट लाइनर्स। एंड जो मैंने मस्कारा यूज करा है दैट इज मार्स फैब्युलैश मस्कारा। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन दिस वन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, आई लव द प्रोडक्ट इटसेल्फ, लाइक द पैकेजिंग इज वेरी नाइस, लाइक लुक एट दिस, वाओ इट्स लाइक लग्जूरियस। द प्रोडक्ट इज वेरी नाइस, इट गिव्स योर लैशेज अ नाइस लेंथनिंग
वाला चीज मुझे लगती है क्लम्प अप ज्यादा नहीं हो रहा है ये। मुझे इसकी वॉन्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आगे से ना बिल्कुल फ्लैट है एंड आप जब इसे अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। आउटर कॉर्नर्स के लिए इट्स अ ब्लेसिंग क्योंकि बहुत ही अच्छे से कोट हो जाती है लैशेज, एक भी बाल नहीं बचता, बट इनर कॉर्नर्स में सारे बच जाते। तो या बस ये वॉन्ड अगर थोड़ी सी चेंज हो जाए, मार्स वालों अगर आप देख रहे हो, अगर ये वॉन्ड थोड़ी सी चेंज हो जाए ना तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम आई एम गोइंग टू अनाउंस 3 विनर्स फॉर द मिस्ट्री बॉक्स गिव अवे। हमारे रिसेंटली 50K भी हुए थे, उसका भी गिव अवे यही हो गया। मिस्ट्री बॉक्स, बर्थडे, सबका गिव अवे मैं एक ही में करके भेज रही हूँ एंड दीज 3 विनर्स आर गोइंग टू गेट अ मिस्ट्री बॉक्स हैम्पर फ्रॉम माई साइड। उसमें स्किन केयर, मेकअप और एक्सेसरीज होने वाले हैं एंड ऑब्वियसली स्क्रंचीज बिकॉज duh। The third winner is तनुश्री भाटी, congratulations तनुश्री। And the second winner is ईशान FFYT। Also ये जितने भी लोगों के मैं नाम ले रही हूँ ऐसा मत समझना कि कोई भी बंदा आएगा इस नाम से आईडी बनाएगा एंड हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास सबकी डीपी का स्क्रीनशॉट है, तो प्लीज ऐसे मत करना। जिसका कमेंट था वही उसी बंदे को मिलेगा। तो या एंड द फर्स्ट विनर, ये मैंने रैंडमली नहीं चूज करा, ये मैंने एफर्ट बेस्ड लिया है। तो जो दो विनर्स थे वो मैंने रैंडम पिक करे थे, थर्ड और सेकंड, बट द फर्स्ट विनर इज समवन जिसने लेजिट हर एक वीडियो पे कमेंट करा, उसने सारी वीडियो देखी है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू appreciate the hard work जो उन्होंने करा है for this giveaway and for like how much she loves me। So thank you so much Manasi Roy, you are the first winner and all three of you have just won a mystery box hamper from my side। And फटाफट से मुझे comment में बता देना, pinned comment में reply कर दो with your mail IDs and yeah I will just deliver the mailboxes as soon as possible। And now let's move on to lipsticks finally। So I have Mars की non-transfer butter stick in two shades। तो एक है मेरे पास वुमेन पावर 11 एंड द अदर वन इज 23 कॉन्फिडेंट वुमेन। आई लव द शेड नेम्स। ये वाली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, बट ये वाली मैंने स्पेसिफिकली इस लाइक मेकअप लुक के लिए मंगवाई थी क्योंकि मैं सब कुछ रेड रेड करने वाली थी। आई थॉट कि एक रेड लिपस्टिक भी होनी चाहिए एंड जस्ट लुक एट दिस, इट्स सो प्रिटी। ये थोड़ा ब्राइट रेड है, आई डोंट थिंक मैंने कभी ऐसी ब्राइट रेड लिपस्टिक लगाई है, बट आई गेस टुडे इज द डे, सो लेट्स अप्लाई दिस। ये बहुत स्मूद है, लाइक बहुत ही यू नो बटर स्टिक जैसा नाम है ना, बटर स्टिक ही है, लेकिन जब लग जाती है और जब ये सेटल हो जाती है दे आर कम्प्लीटली मैटिफाइड और बहुत ज्यादा यू नो मैट वाली जो फीलिंग होती है ना, बहुत कड़क कड़क सी जो फीलिंग आती है वो आती है। तो इससे पहले आप लिप बाम लगा लेना, मुझे तो अभी थोड़ी देर में निकालना ही है ये वीडियो खत्म करने के बाद, तो आई एम जस्ट नॉट यूजिंग अ लिप बाम, बट अदर देन दैट प्लीज यूज अ लिप बाम बिफोर यूजिंग दीज बटर स्टिक्स। बहुत अच्छे से ग्लाइड होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट इट्स जस्ट कि सूखने के बाद आपके लिप्स काफी ज्यादा ड्राइंग लगेंगे। My God, this, oh my God, oh I look nice, वो अच्छा लग रहा है, it's looking nice, oh my God, मैंने कभी भी इतनी ब्राइट लिपस्टिक नहीं लगाई है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई डू थिंक के इन इयररिंग्स के साथ काफी अच्छी लग रही है। अगर मैं ऐसे ही रखूं अपने बाल लाइक बांध के जूड़ा बना लूं एंड एक कॉर्पोरेट आउटफिट डाल लूं, आई थिंक आई एम गोना रॉक दिस लिपस्टिक, it's pretty, I like it। So yeah guys, this is the look that we have created today। Honestly the base products were okay, like मुझे color changing foundation अच्छा लगा, like उसकी technology मुझे काफी अच्छी लगी। The primers are good, foundations are not so good, compact powder good, highlighter good, blush bronzer सब काम नहीं करा, था भी नहीं, eyebrow pencil good, liner good, mascara I would say good, but yeah wand अगर change हो जाए। eyeshadow palettes bomb, lipstick bomb, highlighter lighter bomb, makeup fixing spray, I don't think so, it's a bomb product, but yeah, overall I like this makeup look, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, I honestly love this makeup look and I hope कि आप लोगों को भी पसंद आया हो। Again a huge congratulations to all the winners and also Amazon की sale देखना मत भूलना, I have linked all the products in the description box down below, तो वहाँ से आप सारी shopping कर सकते हो। And yeah, let me know in the comment section कि आपको ये look कैसा लगा, like is it like a pass or a fail from your side, what is it and what is that product from Mars Cosmetics जो कि आप try करना चाहते हो। And yeah, अगर आपको भी ये products पसंद आए हैं और ये video पसंद आई है, then you know what to do, like this video, share this video and subscribe to my channel Chilbi and I will meet you guys in an amazing video super soon, तब तक के लिए stay safe, stay home, I love you all so much, bye।